आज गोहलाचीका में स्थानीय विधायक कुलवंत बाजीगर ने सिंचाई विभाग गोहलाचीका के रेजिडेंशियल भवन, कार्यालय और कम्युनिटी हॉल का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि रेजिडेंशियल भवन, कार्यालय और कम्युनिटी हॉल का निर्माण कार्य एक साल के भीतर पूरा किया जाएगा और इसकी लागत 1,11,00,000 रुपए तक आएगी। विधायक कुलवंत बाजीगर और सिंचाई विभाग के XCN मित्तल ने बताया कि सिंचाई विभाग को रेजिडेंशियल भवन, कार्यालय और कम्युनिटी हॉल बनाने की जरूरत थी, जिसका आज शिलान्यास कर दिया गया है। टोटल 1,11,00,000 रुपए की लागत से काम, इसमें 3 बिल्डिंग है, एक SDO का ऑफिस बनेगा, एक उनका SDO का रेजिडेंस जो कि यहाँ पे नहीं था, और एक हमारा रेस्ट हाउस बनेगा। उन तीनों का 28 शिलान्यास हुआ है और ये हम कोशिश करेंगे इसी साल में इस काम को खत्म करें। विधायक कुलवंत बाजीगर ने इस दौरान दावा किया कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य जोरों पर है। मारकंडा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 16 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, जिस पर से 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। 6 करोड़ रुपए का टेंडर लगाया गया है, जिसका काम भी शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। ये सिंचाई विभाग का यहाँ रेस्ट हाउस नहीं था और इसलिए इसकी जरूरत थी, जिसका आज शिलान्यास किया है, आज शुरुआत की है, जिसके साथ एक कर्मचारियों के लिए रेजिडेंस भी बनेगा और एक रेस्ट हाउस भी बनेगा और इसके साथ साथ एक बड़ा हॉल भी बनेगा, तो जिसका शिलान्यास शुरू कर दिया है, जो करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होगा और आज काम शुरू किया है, जल्दी तैयार हो जाएगा। 1,11,00,000 रुपए की लागत से ये बनेगा, क्योंकि 3 काम हैं तो इसीलिए इसमें थोड़ा 1 साल का समय मांगा है, लेकिन सिंचाई विभाग काम करने में ये ठेकेदार पर पूरी निगाह रखते हैं और पूरे काम को अच्छी तरह देखते हैं, तो क्योंकि इनका काम करने का तरीका और बहुत बढ़िया काम इनका ढान पूरा होता है, तो इसीलिए ये जल्दी कर देंगे, मुझे विश्वास है। एक मारकंडा डिस्ट्रीब्यूटरी पे ही 16 करोड़ रुपए मंजूर होके आए, जिनमें लगभग 10 करोड़ का काम हो चुका है, 6-6.5 करोड़ रुपए का काम अभी टेंडर लग गया है, कल परसों चालू करना है, वो भी जल्दी हो जाएगा। सत्य खबर के लिए गोहलाचीका से BK गागट की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।